एक दिन सारी मुतबंती से बात करते हैं, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी। बात करते समय आनंद बंती बोलते हैं, ऐसा ही सारी मुतबंती, हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं क्या? आप गलत मत समझिए, हम आपका विचार जानना चाहते हैं। हाँ पूछो आनंद। बोले सारी मुतबंती जी, अगर भगवान बुद्ध आपके सामने परिनिर्वाण हो जाएंगे, तो गुजर जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? उस समय जीवित थे भगवान बुद्ध, आपको कैसा महसूस हो? ये प्रश्न आनंद बंसी पूछते हैं पहले से। बोले हम वो आनंद बंसी अपने बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में मत पूछिए पहले, आप बताइए। तो विस्मित बात बताते हैं आनंद बंसी परिनिर्वाण के बारे में पूछते हैं, आप सहन कर पाएंगे क्या उस बात को? आनंद बंसी बोलते हैं, आप मान पाएंगे, सहमत हो पाएंगे दिल से क्या, जब परिनिर्वाण होंगे भगवान? तो बोलते हैं आनंद, मैं सहन का बात मैं छोड़ो करके बोलते हैं, मैं यहाँ सहन की बात नहीं है, हमको ऐसा विचार उस चीज़ का कुछ नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ हमको लगता है, पीछे आवाज़ आ रहा है क्या? बोला एक चीज़ हमको लगता है, वो क्या है कि अति खिपम सुगतो परिनिब्बायते, बहुत जल्दी सुगत भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हो गए। बोलते हैं मैं अति खिपम चक्षु लोके अंतरधाना, बहुत जल्दी लोक का चक्षु, दुनिया का जो नेत्र है वो बंद होने जा रहा है, दुनिया का जो आलोक है वो बंद होने जा रहा है, अति खिपम तो बहुत जल्दी। तो मैं तो इसीलिए ये बोलने के बाद मैं हमको संवेद जगता है, लोक के सत्यों के प्रति अनुकंपा जगता है, बोलते हैं अनुकंपा दया आता है वो देखकर, ना कि रोना नहीं आता है, अरहंत लोग को रोना नहीं आता है, भय नहीं आता है, डर नहीं आता है, सिर्फ मन में संवेद जगता है, अरे लोक सत्व का क्या होगा, जल्दी तथागत सुगत परिनिर्वाण हो रहे हैं, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए करके ऐसे बोलते हैं, समझ गए? इसलिए आप लोग समझ लीजिए कि ये उत्तम भूमि है जो भगवान परिनिर्वाण होने का अस्थि धातु रखा हुआ जगह है, जहाँ अरहंत मुनि वंदना किया हुआ जगह है, जहाँ महाकश्यप वंशी आए हुआ जगह है, जहाँ मोगलीपुत्र तीस वंशी आए हुआ जगह है, जहाँ अजासत राजा पूजा किया हुआ, रोज अजासत राजा आकर पूजा करता था, उनको पता था एक मिस ने फूल आदि आकर निरंतर पूजा करता था। इसके बाद यहाँ पर सम्राट अशोक सबसे पहले आके पूजा किया उस समय, इसके बाद मोगली तीस बंती के साथ बहुत सारा आनंद बंती लगा कर अस्थि धातु बहुत सत्कार सम्मान से ले गया यहाँ से, तो बहुत कुछ यहाँ से हुआ है, इसलिए मन में खुशी जगाई। और मैं उस सोना चांदी लोगों को हटा दिया था, हमको नहीं चाहिए थी सोना, मतलब एक दृढ़ राजा था वो, मतलब अशोक राजा ऐसा लोलीपॉप राजा नहीं था, एक हिम्मत वाला था, मतलब पैसा उनके पास पैसा कमी नहीं था, 84,000 स्तूप बनाना आसान बात है क्या? लेकिन तुरंत बना दिया, इसीलिए वो सब किया है। तो मन में खुश आना चाहिए। तो जिस स्थान पे तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध का अस्थि धातु सात भाग रखा गया, उस पुण्य भूमि को मेरा कोटि कोटि बार नमन हो। उस अरहंत महाकश्यपंते जो धर्म को और विनय को और अस्थि धातु को जिन्होंने सुरक्षा की, भविष्य को सोच कर रखे, उन महाकश्यप परमवंशी को मेरा नमन हो। इस पुण्य भूमि से, इस बुद्ध भगवान बुद्ध से, धर्म से, संघ से, जो कुछ भी जाने में अनजाने में संसार में या इस जीवन में दोष हुआ हो, तो बुद्ध रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए, धम्म रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए, संघ रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए। हम अपना जीवन इस पुण्यवान पुण्य भूमि को मंग पूजा करते हैं, तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमन हो। साधु 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 नमो तस्य भगवतो अरहतो। फूल पूजा करके करेंगे ना, हो गया? तो हम लोग सुरभि मनियार मंत्र बोलते थे, पहले क्या बोलते थे? कैसे बोलते हैं? बाल संघाटी स्तूप बोलते हैं, बाल संघाटी नाम का एक यंत्र लगाया था। तो ये यहीं पर
महाकाश्य परहंसवंती अजाशत्रु राजा के साथ सोना चांदी आदि से पैक करके पूरा। ये पता है सम्राट अशोक क्या करता है? हम पढ़े अभी, ये जस्ट याद है, वो सोना चांदी रखता है कि सम्राट अशोक के लिए जो भविष्य में राजा बनेगा उसके लिए। वो सम्राट अशोक हमको इतना बच्चा समझा, वो सोना चांदी नहीं चाहिए क्योंकि हटा देता है, सिर्फ हमको अस्थि धातु चाहिए करके अस्थि धातु सिर्फ ले जाकर रहा, क्योंकि वो पहले से जम्बूद्वीप का राजा होता है। तो अजाशत्रु इसी जगह पे अरहंत महाकाश्यपंती के साथ मिलजुल कर और बहुत सारे अरहंत बंती के साथ मोगलितिस बंती के साथ सम्राट अशोक आते हैं। इससे पहले अजाशत्रु के साथ महाकाश्यपंती अरहंत बंती गुप्त ही किया जाता है। कैसे? गुप्त रूप से। यहाँ पर नहीं बताता कि ऐसा है हो रहा, कोई पूछता था तब उल्टा मैसेज जाता था कि अरहंत लोग का है आज महाश्रावक का बन रहा है, ऐसा करके एक अलग मैसेज जाता था कि कोई हानि ना करे भविष्य के। कुछ प्रॉब्लम महाकाश्यपंती को दिखा था इस चीज को लेकर, महाकाश्यपंती बोले गुप्त ये करना है और शाकर देवेंद्र आदि देवताओं से बातचीत करके ये किया प्लान करके। ये इसमें एक यंत्र घूमते रहता था हमेशा मैसिन जैसा गोल से, वो सम्राट अशोक समय सैटिक तीर से निशाना मार के वो यंत्र खोला जाता था। वो एक अलग सिस्टम था। वो अरहंत मोगली पुतिस बंती जगह दिखाते हैं, यहाँ पर मारना है, इस समय मारना है करके बताते हैं। तो वो खुलता है दरवाजा, और खुल के दरवाजा खुलने के बाद अस्थि धातु सब नजर आता है, साधु बोल तक वो बंती लोग आते हैं। तो मन में खुश होना चाहिए, यहाँ से अस्थि धातु बहुत गौरव से सम्मान से लेकर जाता है सम्राट अशोक। और इसके बाद प्लान बनाता है 84,000 स्तूप बनाने का, यहाँ के बाद आता है, यहीं पर रखा जाता है। 84,000 स्तूप बटने से पहले सारा अस्थि धातु सात भाग, जो सात द्रोण अस्थि धातु यहीं पर था, समझ गए? तो कितना ये पूजनीय है, सारा एक जगह होना कितना विशेष है। और बहुत समय तक जब वहाँ जब भगवान बुद्ध थे उस समय से लेकर सम्राट अशोक तक, इसका तो दो सौ तीस साल लगभग 38 साल बाद दूसरी संगाई होता है, मतलब 230 साल बाद। तो देखिए कितना समय तक यहाँ पूजा वूजा होता है। यहीं पर घटना है जो फूल लेकर आता है, एक दादी माँ गाय मार देता है, और घटना है जो सुकृति जाता है। तो यहीं पर ही घटना होता है बहुत सारा, में बाद में ये पूजनीय स्थान बन जाता है, लेकिन विशेष रूप से पता नहीं चलता ये। तो ये बहुत में विशेष जगह है, और यहाँ में अरहंत लोग आकर निरंतर वंदन, उनको पता रहता है यहाँ अस्थि धातु, अरहंत लोग बार बार वंदना करने आते थे, समझ गए? तो आप लोग खुश होना चाहिए। ये कैसे बना है पता? अरहंत बंती के मदद से, राजा का उपकार से, लोगों का मदद से, देवताओं के 4-5 इकट्ठा होकर एक ये प्लान किया गया, इसलिए विशेष है, बहुत विशेष रूप से ये बनाया गया है। ये ऐसा अभी गोल कर दिया, गोल ही था, इसलिए बाद में गोल बनाया गया, ईटा गोल ही तो था यंत्र घूमना। तो इसीलिए मन में खुश होना चाहिए कि क्योंकि महाकाश्यपंती बताते भविष्य में एक राजा उत्पन्न होगा, वही इस धातु को इस्तेमाल करके सुंदर से बुद्ध शासन की सेवा करेगा, उसके लिए रखना है करके बोल कर रखते हैं। तो इसलिए मन में श्रद्धा बना लीजिए। सब लोग वंदना करनी है क्या? और पता है जिस दिन धातु निकला था, स्तूप बना था, अरहंत मोगलित पुत्र तीस बंसी बोले थे सम्राट अशोक से एक दिन में अपनी होना चाहिए सब। बोले कैसे होगा 84,000 स्तूप एक दिन में ओपनिंग कैसे होगा? नहीं, तुम दिन फिक्स करो, बस ओपनिंग करने का काम हम कर लेंगे। महाकाश्यपंती ने दिन फिक्स किए, लेकिन कैसे करने का काम हम करेंगे करके। तो फिर दिन फिक्स होकर उस दिन करके राजा को ऐसा जगह पे लेके जाता है, और राजा और अरहंत मुनि लोग जाकर वो एक जगह से सारा ओपनिंग का टाइम दिया रहता है, उस समय ओपनिंग करता है, ऊपर से ही सब दिखता है राजा को, सब जगह बोलता है, ऐसा जगह लेके गया था, और एक दिन में एक समय में सब ओपनिंग हो 84,000 स्तूप। तो विस्मित है वो, कैसे हुआ वो नहीं पूछी, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए मन में खुशी जगाइए कि उसमें से अभी कुछ बचा हुआ है, तो एक एक करके नमन करके, यहीं पर वो जगह स्थान है जो धातु रखा था अस्थि धातु, साधु साधु मेरा नमन हो, साधु साधु, साधु, साधु।